नारनौल विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे पूर्व उप जिला न्यायवादी अशोक यादव ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा के अनेक गांव का दौरा किया। इस दौरान दुबलाना गांव में पहुंचने पर उनका मोटरसाइकिल के काफिलों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अशोक यादव ने कहा कि वे राजनीति में समाज सेवा के लिए आए हैं। उनका मकसद केवल लोगों के बीच रहकर उनके कार्य करवाना है। उन्होंने कहा कि वे उप जिला न्यायवादी के पद से रिटायर हैं, इसलिए उनको प्रशासनिक भी पूरा ज्ञान है। लोगों के काम कैसे होने हैं इसके बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि उनके घर के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने बताया कि अगर नारनौल की जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा तो वे नारनौल विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल देंगे। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद अक्सर नेता गायब हो जाते हैं, लेकिन वह लोगों के बीच में रहकर उनका कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति एक तरह से समाज सेवा है, समाज सेवा के उद्देश्य से ही वे राजनीति में आए हैं। मान सम्मान दुनियों के बुजुर्गों, भाई और बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच मिलने के लिए आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और हर समस्याओं को जानता हूँ। मैं उप जिला न्यायवादी से रिटायर्ड हूँ। आप लोगों की आधी समस्या तो मैं बगल बड़े भी कर सकता हूँ और आप लोगों के लिए मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे और आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी पूरी जान और मन धन से खिदमत करूंगा। आप लोग मेरे से मिल सकते हैं, कोई भाई भी हो, 24 घंटे आगे बढ़ाओ। और जो आज आपने लोगों की सेवा करने के लिए मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और अब मैं फ्री हूँ, लोगों की खूब सेवा करूँगा। अच्छा, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? नारनौल विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप कुछ बने, हाँ, एमएलए चुने गए तो आप, हाँ, क्या लोगों के लिए? मैं लोगों के हर कल्याण के लिए, हर काम के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और बताओ।